ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 3 अध्याय 32 कर्म बंधन श्लोक संख्या 33 शब्दार्थ यथा जिस प्रकार इंद्रियैः इंद्रियों से पृथक द्वारे विभिन्न प्रकार से अर्थः वस्तु बहुगुण अनेक गुणों आश्रयः से युक्त एकः एक नाना भिन्न भिन्न प्रकार से इयते अनुभव किया जाता है तद्वत उसी प्रकार भगवान भगवान शास्त्रवर्त में भी विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद एक ही वस्तु अपने विभिन्न गुणों के कारण भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण की जाती है। इसी प्रकार भगवान एक है किंतु विभिन्न शास्त्रीय आदेशों के अनुसार वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान योग के मार्ग पर चलकर मनुष्य निराकार ब्रह्म तक पहुँचता है किंतु कृष्ण चेतना में भक्ति करने से उसकी भगवान में श्रद्धा तथा भक्ति बढ़ती है। किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि भक्ति योग तथा ज्ञान योग दोनों एक ही लक्ष्य भगवान तक पहुंचने के लिए है। ज्ञान योग की विधि से भगवान वही भगवान निराकार प्रतीत होता है जिस तरह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न लगती है उसी तरह एक ही परमेश्वर चिंतन द्वारा निराकार प्रतीत होता है। एक पहाड़ी दूर से बादल जैसी लगती है और इसके कारण अनजान व्यक्ति इसे बादल मान सकता है किंतु वास्तव में यह बादल नहीं है, यह एक बड़ी सी पहाड़ी है। मनुष्य को प्रमाण से सीखना होता है कि बादल का दृश्य बादल न होकर पहाड़ी है। यदि कोई थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े तो बादल के बदले उसे पहाड़ी या हरियाली दिखने लगती है। जब कोई सचमुच ही पहाड़ी पर पहुंच जाता है तो उसे तरह तरह की वस्तुएं दिख सकती है। दूसरा उदाहरण दूध का है। जब हम दूध को देखते हैं तो यह सफ़ेद लगता है, जब उसे चखते हैं तो स्वादिष्ट लगता है, छूने पर ठंडा लगता है, सूंघने पर सुगंधित लगता है और सुनकर इसे दूध समझा जाता है। विभिन्न इंद्रियों द्वारा दूध का अनुभव करने पर हम कहते हैं कि यह एक सफ़ेद स्वादिष्ट सुगंधित वस्तु है, वास्तव में यह दूध है। इसी प्रकार जो लोग चिंतन द्वारा भगवान को खोजना चाहते हैं वे उनके शारीरिक तेज या निराकार ब्रह्म तक पहुँच सकते हैं और जो भगवान को योगाभ्यास द्वारा पाना चाहते हैं वे उन्हें अंतर्यामी परमात्मा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो लोग भक्ति योग द्वारा भगवान के पास पहुंचना चाहते हैं वे साक्षात परम पुरुष का दर्शन कर सकते हैं। अंततः परम पुरुष ही सारी विधियों का गंतव्य है। जो भाग्यशाली पुरुष शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए समस्त भौतिक कलमशों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है वह परमेश्वर को सब कुछ मानकर उनकी शरण में चला जाता है। जिस प्रकार दूध का वास्तविक स्वाद आँख नथनों या कानों से न लेकर जीभ से लिया जाता है उसी तरह मनुष्य परम सत्कानंद केवल एक ही मार्ग भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्त्या माम भी जानाती। यदि कोई परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। निस्संदेह परम सत्य को कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता, एक लघु जीव के लिए संभव नहीं है, किंतु भक्ति संपन्न करके जीवात्मा ज्ञान के चरम बिंदु तक पहुँच सकता है, अन्य विधि से नहीं। विभिन्न शास्त्रीय मार्गों का अनुसरण करके मनुष्य भगवान के निराकार तेज तक पहुँच सकता है। भगवान के साथ तादात्म्य या निराकार ब्रह्म के ज्ञान से दिव्य आनंद मिलता है क्योंकि ब्रह्म अनंत है। तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम, ब्रह्मानंद अनंत है किंतु इस अनंत आनंद के भी परे जाया जा सकता है, यह गुणातीत है। अनंत को भी लागने पर जो उच्च पद प्राप्त होता है वह कृष्ण है। श्री कृष्ण की भक्ति से आदान प्रदान द्वारा जो मधु एवं रस प्राप्त होता है वह अतुलनीय है और वह ब्रह्मानंद से भी बढ़कर है। अतः प्रबोधानंद
स्वामी कहते हैं कैवल्य या ब्रह्मानंद निसंदेह अत्यंत महान है और अनेक ज्ञानियों द्वारा प्रशंसित है, किंतु यह ब्रह्मानंद उस भक्त के लिए नरक तुल्य है जिसने भगवान की भक्ति से सुख प्राप्त करना सीख लिया है। अतः कृष्ण से साक्षात्कार करने के लिए मनुष्य को ब्रह्मानंद को भी पार करना सीखना होता है। चूँकि मन समस्त इंद्रियों की वृत्तियों का केंद्र है, इसलिए कृष्ण को इंद्रियों का स्वामी या ऋषिकेश कहा जाता है। इसकी विधि है मन को कृष्ण या ऋषिकेश पर स्थिर करना, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया, सबे मनः कृष्ण पदार बिंदयो। भक्ति समस्त विधियों का मूल सिद्धांत है। भक्ति के बिना न तो ज्ञान योग और न अष्टांग योग सफल हो सकता है, और कृष्ण तक पहुँचे बिना आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का कोई चरम लक्ष्य नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयीं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितास्य विशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस श्लोक में मुख्य रूप से ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों में सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, किस प्रकार से ज्ञान योग और भक्ति योग में अंतर है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। और जैसे कि भगवान भगवद्गीता में अलग अलग विधियों का वर्णन करते हैं, सामान्यतः चार श्रेणी के मनुष्य बताए गए हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी और भक्त। तो कर्मी जो है वो तो एक प्रकार से उनको भौतिकतावादी कहा गया है, जो कि इंद्रिय भोग में लिप्त हैं। लेकिन कर्मियों को छोड़ करके जो तीन हैं उनको आध्यात्मवादी कहा जाता है, अर्थात ज्ञानी, योगी और भक्त। ये अध्यात्म को समझने का प्रयास करते हैं, ब्रह्म को समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्यतः भगवद्गीता पढ़ करके कई बार लोग भ्रमित होते हैं कि ज्ञान योग एक मार्ग है ना, फिर ध्यान योग का एक मार्ग है और भक्ति योग का एक मार्ग है। तो भगवान भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं, ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं। तो अलग अलग मार्ग है, जिसको आपको जो भी अच्छा लगता है, किसी को अगर ध्यान योग में रुचि है तो आप उस मार्ग पर चलिए, है ना। किसी को अगर ज्ञान योग अच्छा लगता है तो आप ज्ञान योग का मार्ग अपना सकते हैं, और जिनको भक्ति योग अच्छा लगता है तो वो इस प्रकार से भक्ति कर सकते हैं। तो सामान्यतः ऐसी एक धारणा होती है, ऐसा अधिकतर विचार होता है कि ये अलग अलग मार्ग है ना। लेकिन ये अलग अलग मार्ग नहीं है, यतो मत तथोपत नहीं है, है ना। एक ही मार्ग है, भगवान को समझने के लिए एक ही विधि है। इसलिए भगवान अलग अलग मार्गों का भगवद्गीता में ये सब वर्णन करते हैं, है ना। लेकिन वर्णन करने के बाद समझाते भी हैं कि भगवान को पूर्ण रूप से केवल भक्ति योग से ही जाना जा सकता है, और क्रमशः प्रक्रिया है, है ना। ये जो प्रक्रिया है, एक ही मार्ग पर सर्वश्रेष्ठ ऊपर जो स्तर है भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये अलग अलग, एक प्रकार से इनको हम पड़ाव बोल सकते हैं, है ना। अलग अलग अवस्थाएँ होती है, अलग अलग स्टेजेस है जिनके माध्यम से गुजरना होता है ना। तो प्रारंभिक स्तर पर व्यक्ति कर्म योग जो है, फिर धीरे धीरे उसके आगे बढ़ता है, ज्ञान योग के स्तर पर आता है। एक ही मार्ग में, अलग अलग मार्ग नहीं, अलग अलग दिशाओं में व्यक्ति को नहीं चलना होता है, है ना। एक ही मार्ग पर ऐसे क्रमशः जो है प्रगति होती है ना। कर्म करते हैं, कर्म करके स्वर्ग लोक जाना, फिर वहाँ से पुणे चिन्ने मर्त लोकम विसंति दोबारा से आना। तो इस प्रकार से व्यक्ति बार बार जब भी करता है तो थोड़ा उसके अंदर बुद्धि जागृत होती है कि मैं कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, है ना। ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ, फिर ऊपर जा रहा हूँ, फिर नीचे आ रहा हूँ। तो ऐसे व्यक्ति ज्ञान योग में प्रवेश करता है ना।
फिर ज्ञान योग के बाद उसके आगे का जो स्तर बताया गया है, आगे की जो स्टेज है वो है ध्यान योग। और ध्यान योग के बाद फिर उसको जब व्यक्ति पार कर लेता है तो सर्वश्रेष्ठ जो स्तर है वो भक्ति योग, जो कि उच्चतम स्तर है, उस तक पहुंचता है। तो एक ही मार्ग में ये अलग अलग स्तर है। तो इसलिए भगवान भक्ति योग को क्यों श्रेष्ठ बताते हैं, जो ये बाकी के जो मार्ग हैं अलग अलग स्तरों को ना स्वीकार करके सीधे भक्ति योग को ही स्वीकार कर रहे हैं। तो श्रीपाद समझाते हैं कि ये प्रक्रिया कैसे है। भगवद गीता में बताया गया है कि एक व्यक्ति किसी को ऊपर चढ़ना है, आपको एक बिल्डिंग है उसमें 20वें फ्लोर पर जाना है, तो आप सीढ़ी से चढ़ करके जा रहे हैं, है ना। तो सीढ़ी से चढ़ के जाएंगे तो सीढ़ी में ये अलग अलग स्तर है, कर्म का स्तर है, फिर ज्ञान का युग का स्तर है, फिर ध्यान युग का स्तर है, फिर आप सबसे ऊपर के माले पर पहुँचेंगे। लेकिन एक व्यक्ति है जो कि लिफ्ट से जा रहा है ना, सीधे लिफ्ट से, आप सीढ़ी से ना जा करके लिफ्ट से 20वें माले पर पहुँच गए। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो सीढ़ी से चढ़ के जा रहा है वो बुद्धिमान है कि लिफ्ट से जो जा रहा है वो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो लिफ्ट से जा रहा है वो स्वाभाविक है कि वो बुद्धिमान है। तो इसलिए अलग अलग ये प्रक्रिया है, लेकिन कलयुग के लिए विशेष रूप से ये सीधी प्रक्रिया, डायरेक्ट प्रक्रिया भक्ति योग एक मार्ग बताया जिससे कि व्यक्ति सीधे भगवान तक पहुँच जाता है ना। तो अलग अलग ऐसे ये मार्ग हैं। तो अध्यात्मवादी जो जिस स्तर पर है वो उसको श्रेष्ठ वहाँ पर समझने का प्रयास करता है। विशेष रूप से यहाँ पर हम ज्ञानी योगी और भक्त की बात कर रहे हैं, है ना। तो द्वंद्व कहाँ होता है, द्वंद्व सामान्यतः हम देखते हैं कि जो मायावादी होते हैं, है ना, एक होता है ब्रह्मवादी और एक मायावादी। तो विशेष रूप से जो निराकार ब्रह्म में लीन होना है या ज्ञान के स्तर तक जो पहुँच पाते हैं उस स्तर तक, वो कौन पहुंच पाते हैं, ब्रह्मवादी जो होते हैं। मायावादी तो सामान्यतः वो लोग उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना, क्योंकि भगवान के प्रति अपराध करते हैं मायावादी, कृष्ण अपराधी, भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं, तो इसलिए उस स्तर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो अपराध नहीं कर रहे हैं ना, जो ब्रह्मवादी हैं, जिनको कि प्रारंभिक अवस्था का ही सिर्फ ज्ञान है, उसके आगे का ज्ञान नहीं है, तो वो उसको एक आनंद मानते हैं, उनको एक महान ब्रह्म सौख्यम अनंतम, उसमें एक आनंद की अनुभूति होती है, तो ऐसे लोग उसको प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन अगर उनको भक्ति योग प्राप्त हो, भक्तों का संग अगर प्राप्त हो, तो वो लोग भी आगे चल कर के फिर भक्ति योग में प्रगति करते हैं। इसलिए बताया गया है भगवद गीता में, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते प्राम। तो उस स्तर के आगे फिर भक्ति को ऐसे व्यक्ति प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन मायावादी क्या है, वो द्वेषी हैं, तो वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। और कलयुग में हम देखते हैं कि सामान्यतः जो ज्ञानी हैं, ब्रह्मवादी हैं, वो तो सामान्यतः है ही नहीं। तो इसलिए शिल्पाद जब भी ज्ञान की चर्चा आ रही है, ज्ञान युग की चर्चा आ रही है कहीं पर भी, तो वहाँ पर मायावादियों का ही उल्लेख करते हैं, क्योंकि कलयुग में जो निराकार में लीन होना चाहते, माना चाहते, तो अधिकतर सब जगह पूरे मायावादी ही फैले हुए हैं। तो इसलिए मायावादियों को दृष्टिकोण में रख करके शिल्पाद ऐसे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, जैसे श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है 1:2:11 में, वदन्ति तत्त्वद्वदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि भगवान को समझने के लिए तीन स्तर पर समझा जा सकता है, है ना। ब्रह्म पहला स्तर है, फिर उसके बाद अगला स्तर है परमात्मा, और जो उसके ऊपर है फिर स्वयं भगवान। तो ऐसे तीन स्तरों में भगवान को जाना जाता है। शिल्पाद उदाहरण देते हैं सूर्य का, कि सूर्य लोक है, है ना, और सूर्य लोक में जो सूर्य देवी वस्वान हैं वो हैं, फिर सूर्य की किरणें हैं। तो किसी व्यक्ति को सूर्य की किरणों का ज्ञान है, है ना, तो वो प्राथमिक अवस्था है केवल। लेकिन उससे जब आगे वो बढ़ता है तो वो जान पाता है कि ये सूर्य की जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सूर्य लोक से आ रही हैं, है ना, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, सूर्य लोक से सूर्य की किरणें यहाँ पर आ रही हैं। तो वो उसकी तुलना की गई है
परमात्मावादी से, जो कि परमात्मा को समझने का प्रयास करता है। फिर सूर्यलोक है, तो सूर्यलोक का भी एक स्वामी है, है ना। सूर्यलोक से किरणें जो आ रही हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने आप सब कुछ हो रहा है वहाँ पर, है ना। वहाँ पर एक अंततः एक व्यक्ति है, सूर्यदेव विवश्वान है, जो कि पूरा लोक का संचालन कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में सारा कार्य हो रहा है। तो इसलिए जो व्यक्ति सूर्यदेव विवश्वान को समझ जाएगा, सूर्यदेव विवश्वान को जान लेगा, तो फिर वो सूर्यलोक के बारे में भी उसको ज्ञान हो जाएगा और सूर्य के किरणों के बारे में भी जान लेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने सिर्फ सूर्य की किरणों को ही जाना है, तो ये आवश्यक नहीं है कि उसको सूर्यलोक के बारे में भी ज्ञान हो और सूर्यदेव विवश्वान के बारे में भी ज्ञान हो। और यहाँ पर भी शिल्पपाद व्यवहारिक रूप से इस तात्पर्य में उदाहरण से समझा रहे हैं। दो यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, एक तो पहाड़ी का दे रहे हैं, है ना, कि कई बार व्यक्ति दूर से देखता है तो पहाड़ी जो है उसको बादल जैसे दिखाई देती है ना, तो वो बादल समझ बैठता है। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि हमारी जो है अपूर्ण इंद्रियां हैं, है ना। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा कर्णपाटम, ये अपूर्ण इंद्रियां बताई गई हैं। तो हम त्रुटि करते हैं, गलती करते हैं, भ्रमित होते हैं हम, है ना, धोखा देने की प्रवृत्ति होती है हमारे अंदर। तो उस कारण से क्या होता है कि एक वस्तु को हम दूसरी वस्तु समझ लेते हैं। इसलिए बताया गया है कि जो भी सामान्यतः ये ज्ञान योगी जो होते हैं, जो कि अपना स्वयं का प्रयास करते हैं, है ना, अनुमान प्रमाण है या प्रत्यक्ष प्रमाण, इसके द्वारा समझना चाहते हैं, तो चूंकि इनमें त्रुटि है, हमारी इंद्रियों में त्रुटि है, इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण को भी त्रुटि बताया गया है। उसके द्वारा हम पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे एक व्यक्ति पहाड़ी को बादल समझ बैठता है, लेकिन धीरे धीरे जब आगे जाएगा, वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो समझ पाएगा कि पहाड़ी पर क्या क्या है, वहाँ पर हरी घास है बहुत ही और अच्छी वस्तुएं भी हैं, सब कुछ उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। और ये भ्रम उसका दूर हो जाएगा कि जो दूर से मुझे ये पहाड़ी बादल के जैसे दिखाई दे रही थी, तो वास्तव में ये बादल नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से जब भगवान को व्यक्ति समझ लेता है, तो भगवान के साथ वो उनके विस्तार परमात्मा को भी जान लेता है, और उनके दिव्य शरीर से जो किरणें निकलती हैं, जिसको कि ब्रह्म ज्योति कहा गया है, निराकार ब्रह्म माना गया है, उसको भी एक भक्त जान लेता है। और दूसरा यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, दूध का उदाहरण दिया जा रहा है ना। अलग अलग हम अपनी इंद्रियों से अलग अलग ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति अलग अलग ज्ञान समझ सकता है दूध के बारे में, है ना। जैसे शिल्पाद यहाँ पर समझा रहे हैं, कोई अगर आँख से देख रहा है तो उसको दूध सफ़ेद दिखाई देगा, तो वो बताएगा फिर दूसरे व्यक्ति को, तो इस प्रकार से उसकी जानकारी देगा। कोई पूछेगा कि दूध क्या है, तो दूध एक सफ़ेद वस्तु है, है ना। लेकिन ये पूर्ण ज्ञान नहीं है, ये संपूर्ण ज्ञान नहीं है। दूसरा व्यक्ति कानों से सुन रहा है, तो वो एक प्रकार से उसके बारे में ज्ञान बताएगा, है ना। कोई उसकी खुशबू ले रहा है, तो उसके बारे में वो ज्ञान बताएगा। इस प्रकार से हर इंद्रिय से अलग अलग प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में जिसने उसको ग्रहण किया है दूध को, है ना, उसको चखा है, तो उसको उसकी महत्ता वास्तव में पता चलेगी कि दूध वास्तव में क्या वस्तु है, है ना। सिर्फ देखने से उतना उसको पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे ही भक्ति योग और ज्ञान योग, ध्यान योग, ये इस प्रकार से विधियाँ यहाँ पर तुलना की जा रही है कि इन विधियों में जो लगते हैं, तो वो प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक ज्ञान है। लेकिन हम देखते हैं कि सामान्यतः जो मायावादी एक जो होते हैं ना, वो इसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कि इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना। ज्ञान योग के अलावा जो निराकार ब्रह्म है, वो ही सब कुछ है, निराकार ब्रह्म के ऊपर कुछ भी नहीं है, है ना। एक धारणा अपनी इस प्रकार से वो बना लेते हैं। ब्रह्मवादियों की ये धारणा नहीं होती, है ना। ब्रह्मवादी उसको मानते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है सर्वश्रेष्ठ उसके आगे, तो वो उसको तब तक मानते हैं। लेकिन जब भक्तों का संग होता है, भक्तों के संग के माध्यम से, हम देखेंगे कुछ उदाहरण ऐसे शास्त्रों में, तो उनके माध्यम से फिर वो भगवान की भक्ति से आकृष्ट हो जाते हैं, है ना, भगवान के चरण कमलों से आकर्षित हो जाते हैं। और जो ब्रह्म से भगवान के शारीरिक तेज है, उससे जो आकर्षित थे, तो वो फिर उससे पूर्ण तरह से मुक्त हो जाते हैं। तो आनंद है उसमें, लेकिन शिल्पवाद बताते हैं कि ब्रह्म में वहाँ पर आनंद है, लेकिन रस नहीं है ना। जैसे भगवान के धाम में एक व्यक्तिगत आदान प्रदान
भगवान के साथ हो रहा है भक्तों का उनका, तो उसमें एक रस का आदान प्रदान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, एकांत स्थिति है ना, वहाँ पर रस नहीं है तो वो आनंद होता है, लेकिन व्यक्ति को कुछ रस चाहिए, वो जब नहीं मिल पाता तो फिर स्थिति क्या हो जाती है, जैसे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि दोबारा से फिर इस भौतिक जगत में ऐसे लोग आते हैं, आरुह किच्छेन परम पदम तथा पतंती अध अनादत युष्मदंग्रह। तो दोबारा से रस प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रस तो चाहिए, आनंद तो चाहिए, रस है ना, बिना रस के आदान प्रदान के एक जीव नहीं रह सकता, वो उसकी स्वाभाविक स्थिति है एक जीव की, है ना। भगवान की सेवा में संलग्न होना, वो आदान प्रदान होना, सेवा का आदान प्रदान होना, तो वो अगर नहीं होगा तो कुछ समय के लिए वो व्यक्ति को आनंद प्राप्त होगा, लेकिन दोबारा से व्यक्ति फिर उस रस की खोज में यहाँ पर इस भौतिक जगत में उनको आना पड़ता है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ज्ञान का मार्ग है, योग का मार्ग है, अगर उसमें भक्ति योग का अंश नहीं है तो बिना भक्ति योग के अंश के ज्ञान योग और ध्यान योग अपने आप स्वतंत्र रूप से सिद्धि प्राप्त करने में भी सहायक नहीं है, है ना। जब भक्ति कुछ होती है उसमें, भक्तियों का कुछ अंश रहता है, तभी एक ध्यानी भगवान के परमात्मा स्वरूप पर ध्यान लगा रहा है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो पाएगी उससे, है ना, वो परमात्मा को जान पाएगा या ज्ञान योग के भी चरम लक्ष्य पर वो पहुंच पाएगा, तो जब भक्ति योग का अंश, बिना भक्ति योग के अंश में सहायता लिए बिना ज्ञान योग और ध्यान योग भी स्वतंत्र रूप से हम देख रहे हैं कि उनका फल जो है वो फल प्रदान करने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की ये विधियाँ है ना, भक्ति योग तो सब में ही चाहिए वास्तव में, बिना भक्ति योग के स्वतंत्र रूप से ये फल भी नहीं दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को अगर स्वतंत्र रूप से वो कर रहा है तो उसको करता रहेगा, ज्ञान मार्ग पर जो है नीति नीति जानने का प्रयास जो है करता रहेगा, लेकिन उसको वास्तव में फल उसका प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं स्वाभाविक रूप से समाज में भक्ति योग जो कि आनंदमय है, बहुत ही सरल है, शिल्पाद यहाँ पर समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग निराकार ब्रह्म में है, मायावाद दर्शन से दूषित होकर के उस को ही ज़्यादा अपनाने का प्रयास करते हैं, है ना, कि ये क्योंकि वो ईश्वर एक जो भावना है जीव के अंदर, है ना, भगवान से विद्रोह करने के कारण, तो वो एक उनको बहुत सरल लगता है, आसान लगता है कि ये बहुत अच्छा है ना, इसमें कि हम भगवान बन जाएंगे, किसी की हमें सेवा नहीं करनी है, कोई भी हमारा स्वामी नहीं है, है ना, हम खुद ईश्वर हैं, तो इसलिए फिर उनको बहुत वो सरल वास्तव में लगता है। तो लेकिन हम कुछ उदाहरण शास्त्रों से देखें, विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम या अलग अलग भक्तों के, महान भक्तों के जीवन से, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि ज्ञान योग और भक्ति योग में कैसे वास्तव में भक्ति योग श्रेष्ठ है, है ना। ज्ञानी अपने आप को मानते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे उस स्तर पर, है ना, जो उस स्तर पर नहीं पहुँचे वो अपने आप को ऐसा समझते हैं, लेकिन जिन्होंने वो उस स्तर को, ब्रह्म के स्तर को प्राप्त कर लिया है, उनके भी उदाहरण अगर हम देखें तो बाद में उन्होंने भक्ति योग को स्वीकार किया है, भक्ति योग को उन्होंने अपनाया है। जैसे श्रीमद् भागवतम में ही सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण आता है, चार कुमारों का भी उदाहरण आता है, है ना। चार कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान के ब्रह्म स्वरूप से आकर्षित थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन हुए उनको, है ना, भगवान के चरण कमलों का उन्होंने दर्शन किया, और जो तुलसी पत्र है उसकी सुगंध जब उनके नथनों में प्रवेश करी, तो उसके माध्यम से वो भगवान के चरण कमलों से आकर्षित हो गए। या सुखदेव गोस्वामी हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं वो ब्रह्म में आकर्षित थे, है ना, लेकिन जब वन की तरफ जा रहे थे तो बाद में व्यासदेव जी ने अपने कुछ शिष्यों को उनके पास भेजा, और शिष्यों ने कुछ श्लोक उनको सुनाए श्रीमद् भागवतम के, तो उसको सुन करके, क्योंकि श्रीमद् भागवतम अपने आप में रसमय है, है ना, पिबद भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भूवि भागुका, श्रीमद् भागवतम बताया गया है, तो उसका जब उन्होंने सिर्फ सुना, श्रवण करके, तो उन श्लोकों को सुन करके सुखदेव गोस्वामी आकर्षित हो गए, और फिर बाद में और ज़्यादा उनको जानने की जिज्ञासा हुई कि पूरा ये भागवतम वास्तव में है क्या। तो इसलिए फिर हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी भी आते हैं, श्रीमद् भागवतम को व्यासदेव जी के माध्यम से ग्रहण करते हैं, और बाद में फिर राजा परीक्षित को भी उसको सुनाते हैं। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी ब्रह्मवादी स्तर से भक्ति योग में परिणित हो गए,
बिलमंगल ठाकुर का उदाहरण देखते हैं हम। बिलमंगल ठाकुर महान आचार्य हैं, तो वो भी पहले इस प्रकार से ब्रह्म में आकर्षित थे, लेकिन बाद में भगवान के वृंदावन धाम से, भगवान के श्याम सुंदर रूप से वो आकर्षित हो गए, और बाद में बहुत सुंदर प्रार्थना भी फिर लिखते हैं, मुक्ति स्वयं कुलतांजलि सेवते आसमान धर्मार्थ काम गते समय प्रतीक्षा, है ना, कि अब आपकी भक्ति को मैंने स्वीकार कर लिया है, तो जो आपका भक्त हो गया है फिर मुझे मुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्त के पीछे मुक्ति की तो बात ही छोड़ दे, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये सब उसके आगे ऐसे हाथ जोड़े जो हैं खड़े रहते हैं कि भक्त उन्हें स्वीकार कर ले। लेकिन एक भक्त केवल भगवान की सेवा से आकर्षित होता है, इसलिए इन सब चीज़ों को स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे हम शास्त्रों में उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ब्रह्म के स्तर पर थे उन्होंने भी भक्ति योग को स्वीकार किया है, है ना। लेकिन भक्तों का हम कोई उदाहरण नहीं देखते हैं कि कोई भक्ति योग में थे और भक्ति योग से फिर वो उन्होंने ज्ञान योग के मार्ग को स्वीकार कर लिया, है ना। समतम मायावादी उनका मानना यही होता है कि भक्ति योग तो क्या प्राथमिक स्तर है ना, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती और चेतन महाप्रभु की भेंट होती है ना, तो वहाँ पर वो वर्णन करते हैं कि ये अभी तो आप सब नौसिखिए हैं, है ना, प्रारंभिक स्तर है, नाचना गाना कीर्तन करना, है ना, तो ये सब नए लोगों का कार्य, धीरे धीरे जब आप प्रगति करेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि वेदांत वाक्य सुसदा रमनते, वेदांत के वाक्यों में रमन करना चाहिए, ये ज्ञानी का मुख्य कार्य है ना, वेद के वाक्यों में, उपनिषद के वाक्यों में, तो इसमें आनंद है। लेकिन हम देखते हैं कि वो भी लोग संतुष्ट नहीं थे वास्तव में, वो खाली बस ऊपर ऊपर से बोल रहे थे, है ना। इसलिए जब चेतन महाप्रभु ने उनको वहाँ पर व्याख्या की और बताया, जब तत्व पर चर्चा हुई तो सारे लोगों ने ग्रहण कर लिया, है ना। इसलिए वो बताते भी कि हम इस अनुयायी हैं शंकराचार्य के, इसलिए उनके दर्शन को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे हृदय में भी संतुष्टि नहीं थी, है ना, ये दर्शन से कहीं भी संतुष्टि नहीं थी। तो इसलिए सारे फिर प्रकाशानंद सरस्वती और उनके कितने 60,000 शिष्य, है ना, इतने थे, तो वो सब लोग पूरा परिवर्तित हो जाते हैं और भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं। तो और सार्वभौम भट्टाचार्य हम देखते हैं, है ना, सार्वभौम भट्टाचार्य का उदाहरण आता है कि वो तो पूरा उसके मुखिया ही थे, है ना, मुख्य वहाँ पर उस समय जो है चेतन महाप्रभु के समय उसके फॉलोअर, लेकिन और वो प्रभावित करना चाह रहे थे चेतन महाप्रभु को कि ये अभी नए हैं तो इनको मैं ज्ञान दूंगा, है ना, वो जल्दी इन्होंने संन्यास ले लिया है तो इसलिए इनको मैं वेद के बारे में वेदांत का ज्ञान देता हूँ पढ़ाता हूँ, है ना। तो 7 दिनों तक पूरा उन्होंने जो है समझाया, वेदांत के बारे में शिक्षा दी, चेतन महापुरुष सुनते रहे बस, है ना, कुछ भी नहीं बोले। तो फिर बाद में उन्होंने जब बोला तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य भी परिवर्तित, इतने परिवर्तित हो गए कि फिर मुक्ति शब्द सुन के ही उनको जो है उससे घृणा होने लगी, है ना, जो कि मुक्ति को चरम मान रहे हैं, निराकार ब्रह्म को चरम मान रहे हैं, तो फिर मुक्ति शब्द सुन के जब भागवत में फिर बाद में मुक्ति शब्द पढ़ते हैं मुक्ति के बारे में, है ना, कि भगवान जो है मुक्ति प्रदाता है, तो उसको भक्ति पद करना चाहते थे, है ना, भक्ति पदे सदा है बाक, लेकिन चेतन महाप्रभु ने कहा कि ये मुक्ति का अर्थ निराकार ब्रह्म में लीन होना वो मुक्ति नहीं यहाँ पर है ना, उसका अर्थ भक्ति ही है। तो मुक्ति शब्द सुन कर के उनको जो है उससे एक प्रकार से घृणा हो जाती है ना, इतना भगवान की भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। तो हम देख सकते हैं तो श्रीमद् भागवतम में कुछ भक्तों के जो है उदाहरण बताए गए कि कैसे भक्त भगवान की भक्ति में जब लगते हैं, भक्ति को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जो ज्ञानी जिसको कि चरम स्तर मान रहे हैं, सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं निराकार ब्रह्म, वो कैसे उनके लिए बहुत ही तुच्छ हो जाता है ना, उसको कोई भी महत्व नहीं देते भक्त। जैसे शिलुपाद यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती का भी उदाहरण दे रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध प्रबोधानंद सरस्वती अपनी प्रार्थना में वर्णन करते हैं कि एक भक्त के लिए मुक्ति की स्थिति क्या है, वो है कैवल्यम नरकायते, है ना, जो कैवल्य मुक्ति है विशेष रूप से निराकार ब्रह्म में लीन होना। इसके अलावा 4 प्रकार की और भी मुक्तियाँ हैं, लेकिन इस मुक्ति को भक्त जो है वो नरक से भी निकृष्ट मानते हैं, है ना, अगर उनको ये मुक्ति दी जा रही है तो भक्त कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो श्रीमद् भागवतम के हम हर स्कंद में देखें तो हर स्कंद में ऐसे भक्तों के उदाहरण हैं जो कि भगवान उनको जो है वरदान दे रहे हैं या वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन भगवान की सेवा के लिए ही, भक्ति के लिए ही वो प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, मुक्ति के लिए या ऐश्वर्य के लिए कि उनको अलग अलग ये पांच प्रकार की मुक्तियाँ प्राप्त हो जाएँ या ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, उनके लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित के भी जीवन में हम देखते हैं, है ना, प्रथम स्कंद में राजा परीक्षित जब मृत्यु के नज़दीकी थे तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम को श्रवण कराने से पहले, है ना, बहुत सारे वहाँ पर ज्ञानी भी थे और बहुत सारे योगी भी थे, है ना, ध्यानी, वो सब लोग भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब पूछा कि क्या मुझे करना चाहिए, है ना, म्रियमानस सर्वथा, मैं मृत्यु के द्वार पर हूँ तो मुझे क्या, मेरा क्या कर्तव्य है, है ना, तो कुछ कहने लगे कि आप जो है ज्ञान योग का पालन कीजिए, कुछ ध्यान योग का। लेकिन चूंकि बचपन से ही अपने जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही राजा परीक्षित भक्त थे, तो इसलिए वो उससे किसी भी अवस्था में आकर्षित नहीं थे ज्ञान योग या अष्टांग योग के मार्ग से। और वो समझते थे भी कि 7 दिन ही बचे हैं तो ये मेरी विधियाँ कैसे सहायता करेंगी, है ना, 7 दिन में। ज्ञानी लोग ज्ञान योग का कई कई वर्षों तक पालन करके भी उनकी जो है भगवान के चरण कमलों के, ब्रह्मा जी कहते हैं कि नाखूनों तक भी उनकी जो है पहुंच नहीं हो पाती है, न चाण्य एको भी चरम विचिन्न बन, तो 7 दिन में कैसे लाभ हो पाएगा, है ना। योगी कई कई वर्षों योग करना पड़ता है तब योगी जन जो है परमात्मा को जान पाते हैं, और वो भी परमात्मा क्या है भगवान के एक बहुत ही जो है अंश के अंश इस प्रकार से बताए गए, है ना, जो परमात्मा जो विस्तार है सभी के हृदय में। तो जैसे भगवान अपना विस्तार करते हैं बलराम जी के रूप में, बलराम जी से फिर चतुर्व्यूह होता है, चतुर्व्यूह विस्तार में उससे फिर 3 विष्णु कारणोदकशायी गर्भोदकशायी चिरोदकशायी विष्णु, तो चिरोदकशायी विष्णु जो है वो वहाँ पर फिर परमात्मा उनको खा जाता है, है ना। तो कितना हम देख रहे हैं अंश के अंश इस प्रकार से वो योगी जन उनका परमात्मा का ध्यान करते हैं। तो राजा परीक्षित उसको स्वीकार नहीं करते, है ना। जब सुखदेव गोस्वामी आते हैं तो उनसे भक्ति के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, कथाओं के बारे में, उसके बारे में सुखदेव गोस्वामी जिज्ञासा करते हैं, या तृतीय स्कंद भगवान कपिल भी वर्णन करते हैं माता विभूति को, है ना, कि मेरे भक्त उनको अगर ये मुक्ति है पांचों प्रकार की, ये मैं बिना मद सेवनम जना, मेरी सेवा के बिना दी जाए तो वो मेरे भक्त इसको स्वीकार नहीं करते हैं। या स्वयं भगवान के अवतार पृथु महाराज चतुर्थ स्कंद में हम देखते हैं पृथु महाराज की एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, तो उसमें पृथु महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, है ना। पृथु महाराज कह रहे हैं न कामये नाथ तदप्यहम क्वचिन न यत्र युष्मच्चरणाम भुजा स्व महत्मांत हृदयांत मुखच्युतो विधस्व कर्णायुतमेशमेवर, कि आपसे अलग जो है ना, न कामये नाथ, आपके चरण कमलों का रस जिसमें नहीं है ना, आसवय अर्थात जो है रस, अगर ये आनंद जो है वो नहीं है वहाँ पर मुक्ति में, तो ये मुझे बर जो है नहीं चाहिए, मुझे तो एकमात्र क्या चाहिए महत मांत, है ना, कि आपकी जो है कथाएं मैं सुन सकूं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मुझे कान दीजिए आप, है ना, 10 लाख कान करना युतमेश, यहाँ पर बताया विदस्व करना युतमेश, 10 लाख मुझे कान दीजिए, ये बस मैं निरंतर आपके जो महत महान जो आपकी वीर गाथा है उसको मैं श्रवण करता रहूँ, है ना। तो ये हम देख सकते हैं कि भक्ति योग की जो विधि है भगवान के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना, है ना, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ वास्तव में उच्च स्तर है, जिससे कि एक व्यक्ति भक्ति योग में भगवान को जान लेता है और समझ, और ये प्रारंभिक अवस्था से, अगर कोई प्रारंभिक अवस्था से भी भक्ति योग में लग रहा है तो उसको भक्ति योग का साक्षात्कार होगा। लेकिन ज्ञान और योग का मार्ग ऐसा नहीं है, जब तक जब हम पूर्णता के स्तर पर उससे पहुँचेंगे तभी हमें उसका साक्षात्कार होगा, तब तक वो विधि को आपको करते रहना है। लेकिन भक्ति योग की विधि कैसे, प्रारंभिक स्तर से ही भक्त को जिस अनुपात में वो करता है उसको साक्षात्कार होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं, है ना, तो भोजन ग्रहण करने के साथ आपको तुष्टि पुष्टि छुदपायो अनुघासम, है ना, आपको तुष्टि प्राप्त होती है, बल मिलता है आपको, पुष्टि मिलती है, है ना, और आपकी क्षुधा तृष्णा वो भी जो है भूख मिटती है। तो जैसे जैसे आप ग्रहण करते हैं तो आप खुद उसको साक्षात्कार भी करते जाएंगे,
लेकिन ज्ञान और ध्यान में ऐसा नहीं है, जब तक आप पूरा उस स्तर को प्राप्त न कर ले, वो सिद्धि आपको वहाँ पर नहीं मिल जाए, तब तक उसमें कुछ साक्षात्कार ऐसे नहीं होता है। तो इसलिए प्रथम महाराज जहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बस आप ये दीजिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। फिर पंचम स्कंद में भी बताया गया है, राजा भरत के जीवन में है ना, कि भगवान वहाँ पर प्रार्थना की गई बताया गया। राजा भरत ने, जिनके पास सारा ऐश्वर्य था, सुंदर पत्नी थी है ना, सब कुछ एक प्रकार से जो है मल के समान त्याग कर दिया है ना, तो कोई भी उनकी उसमें आसक्ति नहीं है। तो ऐसे जो केवल आपकी सेवा से, भक्ति से आ सकते हैं, ऐसे भक्त किसी भी स्थिति में वो मुक्ति से आसक्त नहीं होते, वो मुक्ति नहीं चाहते हैं। फिर छठवें स्कंद में वृत्तासुर का उदाहरण आता है ना, वृत्तासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं वृत्तासुर, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम न सार्वभौमम न च रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजस त्वाम विरहच्छकांक्षे। कि वृत्तासुर जो कह रहे हैं कि मुझे न नाक पृष्ठम, अर्थात अगर आप जो है स्वर्गलोक या ध्रुव लोक भी मुझे अगर दें तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, न च पारमिष्ठम है ना, पारमिष्ठम ब्रह्मा जी के लोक को कहा गया है, तो मुझे ब्रह्मा जी का लोक भी नहीं चाहिए, न सार्वभौम इस पृथ्वी का पूरा जो है साम्राज्य अगर आप दें तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम पृथ्वी लोक से नीचे जो अधोलोक हैं तो उन अधोलोकों का भी सारा साम्राज्य सब मुझे मिल जाए तो वो भी मुझे नहीं चाहिए, न योग सिद्धि है ना, योग के माध्यम से जो सिद्धियाँ मिलती हैं, अनिमा लघिमा इसीता वसिता प्राकम में काम बसाईता, तो वो सब योग सिद्धि भी मुझे नहीं चाहिए, पुनर्भवम बा है ना, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे। ये भी वृत्तासुर कह रहे हैं कि अगर इसमें आप की सेवा नहीं है ना, ये आपसे अगर विरह, आपके चरण कमलों से विरह है, त्वाम ब्रहन चकांक्ष है ना, ये अगर है तो मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, केवल आपका संग, आपकी सेवा ही मुझे चाहिए। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार का एक श्लोक नाग पत्नियों के द्वारा भी कहा गया, दसवें स्कंद में सेम श्लोक है ना, वहाँ पर नाग पत्नियाँ भी प्रार्थना करती हैं, तो वो तीनों लाइन जो है सेम है, चौथी लाइन में वो वर्णन करती है, बांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना है ना, यहाँ पर शब्दारा समंजस त्वाम विरहंच कांक्षे वृत्तासुर कहते हैं, और नागपत्नियाँ कहती है बांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्ना है ना, कि आपकी चरण कमलों की जो रज है वो अगर प्राप्त नहीं हो रहे तो उसके बिना फिर मुझे ये सारी चीज़ें भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हम छठवें स्कंद में वृत्तासुर के उदाहरण से देखते हैं। फिर प्रहलाद महाराज का उदाहरण बताया गया है सातवें स्कंद में है ना, प्रहलाद महाराज वर्णन करते हैं अपने सब मित्रों को, सहपाठियों को, क्या वर्णन करते हैं, तुष्टे च तत्र किम लभ्यम अनंत आध्य, कि जो भगवान भक्ति, भगवान की भक्ति का आनंद जिसको प्राप्त हो गया है उससे जो तुष्ट है तो उसके लिए फिर क्या इस संसार में दुष्कर है, असंभव है, किम लभ्यम अनंत आध्य है ना, जो तीनों गुणों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है, शुद्ध सत्व की अवस्था में आ गया है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, धर्मादय किम गुणेन चकांक्षितेन सारम जुसाम चरणयोर उपगायताम न, कि वो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आपके चरण कमलों को प्राप्त किया है तो वो धर्मादय अर्थात धर्म आदि, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, ये सब भी कांक्षितेन, उनकी इच्छा नहीं करते, उनकी उनको प्राप्त करना वो नहीं चाहते हैं। या प्रहलाद महाराज एक और जगह बताते हैं कि जिन्होंने शरण ले ली है तो उनके लिए मुक्ति कैसे हो जाती है, जिन्होंने आपके चरणों में शरण ली है उनके लिए मुक्ति जो है गोखुर है ना, जो गाय के खुर में भरा हुआ जैसे जल होता है ना, गड्ढा पड़ जाता छाप तो उसमें भरा हुआ जल है, तो ऐसे उनके लिए एक प्रकार से वो उसको इतना तुच्छ मानते हैं है ना, क्योंकि भक्ति रस का जो आनंद उनको प्राप्त हो रहा है वो एक समुद्र की तरह है। रूप गोस्वामी ये तुलना करते हैं भक्ति रसामय सिंधु में, रूप गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि एक भक्त के लिए जो है, जो भक्ति रस में निमग्न है पूर्ण रूप से, तो भक्ति रस के समुद्र के आगे जो मुक्ति की स्थिति है वो क्या है, बहुत ही कम है ना। अगर भक्ति रस को आप
जो है करोड़ करोड़ गुना करें तो एक बूंद के समान, बस मुक्ति जो है उसका जो आनंद है वो एक बूंद के समान बताएगा। इस प्रकार की रूप गोस्वामी भक्ति रसम सिंधु में वर्णन कर रहे हैं। फिर गजेंद्र का उदाहरण देखते हैं आठवें स्कंद में हम, है ना। गजेंद्र भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। गजेंद्र कहते हैं, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यैवै भगवत प्रपन्ना अत्यद्भुतम तच्चरित्र सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना, है ना। कि एकांतिनो, जो आपके एकांतिन भक्त हैं, एकमात्र जिनकी आप में ही केवल निष्ठा है, तो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यैवै भगवत प्रपन्ना, जो आपके पूर्ण रूप से शरणागत है वो इसके अलावा और कोई भी वर दूसरा नहीं चाहते हैं, है ना। वो मुक्ति नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं, केवल जो आपके अत्यद्भुतम, आपके अद्भुत जो चरित्र गाथा है आपकी, है ना, जो आपकी वीर गाथा है, जो कि सुमंगलम, सबका मंगल करने वाली है, सबका कल्याण करने वाली है, जो समुद्र की तरह, आनंद समुद्र की तरह है, तो उसमें बस वो नित्य रूप से मग्न रहना चाहते हैं। उसका गायंत, है ना, गायंत अर्थात श्रवण कीर्तन, उसको वो करना चाहते हैं बस, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते। तो ये गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं। फिर नवमें स्कंद में हम देखते हैं भगवान स्वयं दुर्वासा मुनि को वर्णन करते हैं, है ना। दुर्वासा मुनि जो कि योगी हैं, तो उनको जब बाद में भगवान के पास जब जाते हैं वैकुंठ लोग, तो भगवान उनको फिर बताते हैं, मत सेवया प्रतीतम ते सालोक्यादि चतुष्टयम नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतो अन्यत काल विप्लुतम, कि जो मेरी सेवा से आसक्त हैं अम्बरीश महाराज जैसे भक्त, जो मेरे शुद्ध भक्त हैं इस प्रकार के, वो सालोक्यादि चतुष्टयम, ना, जो सालोक्य आदि चतुष्टयम चार प्रकार की मुक्तियाँ बताई गई हैं, तो नेच्छन्ति, उनको भी वो नहीं चाहते हैं मेरी सेवा के बिना, सेवया पूर्णा, है ना। और इसके अलावा फिर कुतो अन्यत काल विप्लुतम, इसके अलावा जो कि काल के द्वारा नष्ट होने वाली चीज़ें हैं, नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, तो उनकी तो फिर बात ही छोड़ दें, उनका क्या कहना, है ना, वो तो किसी भी स्थिति में मेरे भक्त नहीं चाहते हैं। तो भगवान इस प्रकार से दुर्वासा मुनि को वर्णन करते हैं। फिर दसवें स्कंद में बहुत सारे जो है उदाहरण, नागपत्नी का उदाहरण है, वेद, साक्षात वेद जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, है ना। दसवें स्कंद में वेदों की स्तुतियाँ आई हैं, वेदों के द्वारा भगवान की जो स्तुतियाँ की गई हैं, तो उसमें वेद भी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें जो है ये सब नहीं चाहिए, केवल आपकी सेवा ही चाहिए। तो वेद भी भगवान की सेवा से, भक्ति से एकमात्र आकर्षित हो रहे हैं, वो भी मुक्ति की निंदा कर रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ग्यारहवें स्कंद में स्वयं उद्धव जी से वर्णन कर रहे हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं, न किंचित साधवो धीरा भक्ता ही एकांतिनो मम वांछन्त्यपि मया दत्तम केवल्यम पुनर्भवम, कि मेरे जो भक्त हैं, जो धीर भक्त हैं, एकांतिनो भक्त हैं, जिनकी कि मुझ में ही आसक्ति है केवल, है ना, तो वो केवल्यम पुनर्भवम, जो केवल मुक्ति है और पुनर्भवम, इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना, ये सब वो मेरे द्वारा अगर भी उनको प्रदान की जाए, मया दत्तम, है ना, तो मेरे द्वारा भी प्रदत्त है तो भी उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी सेवा से आकर्षित है। फिर बारहवें स्कंद में शिवजी पार्वती जी को बताते हैं, वर्णन करते हैं, उनको मार्कंडेय ऋषि के बारे में वर्णन कर रहे हैं, कि जो मार्कंडेय ऋषि जैसे भक्त हैं, तो बताते हैं, नैवेच्छत्याशीष क्वापि ब्रह्मर्षिर् मोक्ष अप्युत भक्तिम पराम भगवती लब्धवान पुरुषे वे, कि जो मार्कंडेय ऋषि, उनके बारे में बताते हुए शिव जी बोलते हैं पार्वती जी को, कि जो मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है और पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो ऐसे भक्त भगवान की सेवा के अलावा भौतिक ऐश्वर्य भक्ति के अलावा छोड़ करके मुक्ति ये सब वो नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि वो भक्ति में ही केवल प्रसन्न है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो लगभग श्रीमद् भागवतम में हर एक स्कंद में ऐसे भक्तों के उदाहरण दिए गए हैं, जो कि भगवान की भक्ति से, भगवान की सेवा से आकर्षित हैं और उस सेवा को छोड़ करके वो मुक्ति नहीं चाह रहे हैं, है ना। लेकिन दूसरी तरफ हम उदाहरण देखते हैं कि जो कि मुक्ति को श्रेष्ठ मान रहे थे, उससे जो आकर्षित थे,
चार कुमार, सुखदेव गोस्वामी ऐसे भक्त, तो वो लोग को जब भक्ति की प्राप्ति होती है भगवान के भक्तों की कृपा से, जब भगवत रस को वो समझ पाते हैं तो उससे वो आकर्षित होते हैं। तो इस तुलना से हम देख सकते हैं कि कैसे वास्तव में ज्ञान योग के मार्ग से या ध्यान योग का मार्ग है तो उससे भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के द्वारा ही, इसलिए भगवान भगवता में कहते हैं भक्त्या माम अभी जानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः, है ना, जो तत्वतः है भगवान को समझना, जिसमें कि परमात्मा भी सम्मिलित है और भगवान का जो निर्विशेष तेज है वो भी सम्मिलित है, तो केवल भक्ति ही जान पाते हैं। भक्ति के बिना भगवान को नहीं समझा जा सकता है, है ना। भक्ति रेवेनम नयति, भक्ति से ही उपनिषदों में बताया कि भगवान तक पहुंचा जा सकता है। भक्ति रेवेनम दर्शति, भक्ति से ही भगवान का जो है दर्शन किया जा सकता है। भक्ति के अलावा कोई भी उपाय नहीं। ज्ञान योग ध्यान योग का मार्ग वो नहीं, उससे एक अवस्था तक पहुँच सकते हैं, है ना, इसलिए अलग नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि ठीक है, उन्होंने भी भगवान को समझ लिया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है कि कैसे वो सिर्फ गुण के रूप में है ना, लेकिन वो पूर्ण अवस्था नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो सुख है तो वहाँ पर निराकार ब्रह्म में भी आनंद है, वो भी भगवान के ही दिव्य शरीर से किरणें आ रही हैं, इसलिए भगवान के दृष्टिकोण से उसमें वो भिन्नता नहीं है। वहाँ पर जो परमात्मा स्वरूप है, इसलिए वो एक स्तर पर भी उनको कभी कभी कहा जाता है, लेकिन भौतिक स्तर पर जैसे भगवान के दृष्टिकोण से सब कुछ एक ही है, हमारे दृष्टिकोण से हम यहाँ पर भिन्नता देखते हैं, है ना, इस द्वैतमय जगत में, द्वंद्वमय जगत में, है ना, हमारे लिए द्वैतता है, भिन्नता है, लेकिन भगवान के लिए तो भगवान है, उनकी शक्ति है ना, तो वो सब एक ही है। इसलिए उदाहरण सुना देते कि सूर्य का प्रकाश है या सूर्य को है तो उसमें एक प्रकार से अंतर नहीं है, वो एक ही है, लेकिन साथ में वहाँ पर अंतर भी है ना। तो ऐसे परमात्मा जो है तो वो उनका ही, भगवान का ही एक विस प्रकार से विस्तार है ना। तो एक दृष्टिकोण से उसको हम अलग नहीं कह सकते, भिन्न नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो स्वयं भगवान है तो, और परमात्मा है, उनके जो विस्तार है या निराकार ब्रह्म है, उनका जो तेज है, तो उसमें अंतर भी है, उसको भी समझने की आवश्यकता है कि कैसे भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं जिनसे कि ये सब कुछ प्रकट हो रहा है। इसलिए जब भगवान को कोई व्यक्ति समझ लेगा, भगवान को जान लेगा, तो उसमें अपने आप सम्मिलित है कि वो परमात्मा के बारे में भी उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और भगवान के निर्विशेष स्वरूप के बारे में, जो दिव्य ज्योति है, उसके बारे में भी वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। तो इसलिए ज्ञान योग और ध्यान योग के मार्ग को हमें जो है स्वीकार, क्योंकि ये कलयुग में संभव भी नहीं है, है ना। कलयुग में अगर कोई ज्ञान योग या ध्यान योग का मार्ग स्वीकार करता है तो उसके द्वारा सिद्धि संभव नहीं है। क्लेश तो अधिकतर स्तेषाम अव्यक्ता शक्त चेत साम, भगवान भगवता में कहते हैं ना कि ये क्लेश का मार्ग है, कठिन दुख का मार्ग है ना, इसके द्वारा सिद्धि प्राप्त करना संभव नहीं है। भगवान ने बताया है ना। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि फिर वर्णन ही क्यों किया है भगवान ने भगवदगीता में, तो तुलना करने के लिए वर्णन किया है कि कैसे भक्ति योग ध्यान योग और ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। तो इसलिए तुलना करने के लिए अर्जुन को भगवान प्रारंभ में ध्यान योग का भी वर्णन कर रहे हैं, छठवें अध्याय में ज्ञान योग का भी वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भगवान भक्ति योग को ही बता रहे हैं कि एक भक्ति ही मुझे केवल जान सकता है, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो इसलिए बताया है तो वो जानकारी हम प्राप्त करें, उसको समझें, लेकिन ध्यान योग या ज्ञान योग में हमें लगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। तो सभी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ विधि बताएगी वो केवल एकमात्र भक्ति योगी है, जिससे कि हम भगवान को समझ सकते हैं, जान सकते हैं बहुत ही सरलता से। तो इसलिए इसी मार्ग को हमें स्वीकार करना चाहिए, इसी में हमें चलना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति है वो बहुत ही दुर्लभ बताया गया है ना। करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों से भी एक भक्त जो है बहुत ही श्रेष्ठ और दुर्लभ बताया गया। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सपी महामुने। कई कई करोड़ों करोड़ों लोग जो प्रयास करते हैं मुक्त होने का, ऐसे मुक्त व्यक्तियों में भी एक भक्त बहुत ही दुर्लभ होता है। तो जो मायावादी जो कि निकृष्ट मानते हैं भक्ति को, वो निकृष्ट नहीं है, भक्ति तो बहुत ही सर्वोच्च स्तर है ना। एक भक्त बनना इतना भगवान का शुद्ध भक्त कोई आसान नहीं है। मनुष्य नाम सहस्त्र लोग प्रयास करते हैं तो कई जीवन में फिर सिद्धि और ऐसे योग, उनमें से भी कोई एक जो है विशेष तत्वतः वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ है, कि भगवान कृष्ण ही, वासुदेव ही सब कुछ हैं, वो जान पाता है तो वो बहुत ही
उच्च अवस्था वास्तव में बताई गई है, है ना। तो इसलिए भक्तों को भगवान की भक्ति से ही आकर्षित होना है, क्योंकि वही जीव का एक वास्तविक स्वभाव है, उसी में हमें आनंद प्राप्त होगा। बाकी ये मार्ग से हमें किसी प्रकार से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से भक्ति योग की श्रेष्ठता को और ज्ञान योग, उसमें क्या अंतर है, इस तात्पर्य में समझाया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो हम राम देंगे, कोई अगर प्रश्न है आपके पूछ सकते हैं, जिज्ञासा। यस। हाँ, किससे अट्रैक्टेड हो जा रहे हैं? आकर्षण हो रहा है, उसका अर्थ क्या है कि वो भक्ति को ग्रहण नहीं कर रहा ना। अगर वास्तव में आप जो है भक्ति को ग्रहण करेंगे तो भक्तिमय सेवा जो है भगवान की सेवा में वो आनंद है, वो रस है कि आप किसी भी स्थिति में उससे आकर्षित नहीं हो सकते, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति आकर्षित हो जाता है तो उसका अर्थ क्या है कि फिर वो भक्ति को नहीं समझ रहा। इसलिए सावधान वहाँ पर किया गया, एक साधक अवस्था में, जो साधना अवस्था में, यहाँ पर सिद्ध भक्तों का उदाहरण दिया गया कि जो जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है भक्ति में, पूर्ण रूप से भगवान का साक्षात्कार हो गया, वो तो कभी भी इससे आकर्षित नहीं होंगे। लेकिन साधना अवस्था में वो संभावना कि अगर हम मायावादी भाव से जो है सुनेंगे तो वो, क्योंकि हमारे अंदर अभी वो ईश्वर भाव है ना, भगवान बनने की इच्छा भी, पूर्ण रूप से हम उससे मुक्त नहीं हुए हैं। एक दासत्व को हमने बाहरी रूप से स्वीकार कर लिया है, लेकिन हृदय से कि हाँ मैं भगवान का जो है दास हूँ, अगर वो हृदय से हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर इंद्रिय भोग सारा समाप्त हो जाएगा, हमारा छूट जाएगा, है ना। लेकिन हम देखते हैं इंद्रिय भोग की इच्छाएँ होती हैं, तो उसका अर्थ क्या है, कहीं ना कहीं वो भाव है कि मैं भोगता हूँ, है ना। तो उस कारण से एक साधक के अंदर वो संभावना हो सकती है कि अगर वो सुनेगा तो प्रभावित हो सकता है। तो इसलिए सावधान वहाँ पर किया है कि साधना अवस्था में हमें मायावादी जो दर्शन है भाष से उसको नहीं सुनना है, जिससे कि हम भक्ति में ही मार्ग पर ही आगे चलते रहें। ठीक है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।